नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेवदुर तहसील के नागानी में विधवा महिला की चाकू से गोद कर की हत्या करके आरोपी मौके से हुआ रफू चक्कर। कुछ दिन पूर्व ही आरोपी जेल से बेल पर रिहा होकर आया है बाहर। वही मृतक महिला ने उक्त आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा करवा रखा है दर्ज। मृतक विधवा महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची, मौके पर शव को लिया कब्जे में। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा शव। रेवदर डीएसपी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने दी जानकारी। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और इनको जो हत्यारा है उसकी भी पहचान हो गई है, जो सिरोड़ी का रहने वाला है। और रात से ही हमारे ये प्रयास है कि हत्यारे को जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करें। अभी हमें उसका जो को एक्यूज्ड है उसको एक को गिरफ्तार करने में सफलता मिल चुकी है और वो तो उसको थाने लेके आ रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी मांग है वित्तीय संबंधित, इसके लिए मैंने एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब अभी मौके पे आ रहे हैं और जो भी मांग होगा। जो आइयो कोरे कोरे बेटी अभी तेरा लुगड़ा माते नौगी सुनड़ी एड़ी एड़ी है जी घरे पड़ी है पसे वगने आवे ने मम्मी रे मौसा माते वो अठाती वो बार ओ ने अटे वाली बस जब सड़ता सड़ता के जब लुगड़ा नौकता चल गो ने आ सकू एक दो अठे रोपी अठे ने अठे अटे रोपी जब आपसी गए जब मोप उठती थी जो कि जब वो धावा रुकी तो क्या धावा रुकी तो क्या जो कि जब अपनी मने जब मार तो पक गए जब बुआ गदू पड़ी आ ये बस मुँह बेड़ी बंद पड़ी बनी बुआ डी रमा थे जिन्हें मारी छोनड़ी न बनेरी वह मैं पेट में माथे फाड़ दी दू तो डॉक्टर साहब बोला भी बेंजिन बोला भी न मैं बाबी वो के ले जाओ ना दे के बाहर ही कटा करना ये ले नैया वो मारे ना ही गो। रेवदर से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।